टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट गुप्ता एम्पायर ऑल्सो नोन एज द गोल्डन एज ऑफ इंडिया और द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया। जैसा कि हम लोग पीछे अब तक पढ़ चुके हैं कि मौर्यन डायनेस्टी खत्म हो गई है। प्राचीन भारत के इतिहास का जब हम लोग सारांश निकालते हैं तो उस सारांश के तौर पर मौर्य साम्राज्य सबसे मजबूत पकड़ है। अगर आपने मौर्य डायनेस्टी क्लियर कर रखी है तो प्राचीन भारत में कोई समस्या नहीं आएगी। मौर्य काल के पहले भी कुछ लोग थे जिनको प्री मौर्यंस कहा हम लोगों ने, जिसमें हर्यक, शिशुनाग और नंदों को पढ़ा। मौर्यों के बाद पोस्ट मौर्यंस आते हैं जिसमें हम लोगों ने शक, कुषाण और हूण को पढ़ा। ये विदेशी लोग थे जिन्होंने आक्रमण किए। अगर डायनेस्टीज की बात करेंगे पोस्ट मौर्यंस में तो शुंग, कण्व और सातवाहन आते हैं। लेकिन आप चाहे पीछे की तीन डायनेस्टीज की चर्चा करिए, चाहे आगे की तीन डायनेस्टीज की चर्चा करिए, इनमें कोई भी एम्पायर ऐसा नहीं था जो इस देश को यूनिफाई कर पाया हो। यूनिफिकेशन की बात जब आती है तो या तो मौर्यों ने किया या तो गुप्तों ने किया। इसीलिए प्राचीन भारत के नाम पर जो दो चैप्टर बहुत अच्छे से आपको तैयार होने चाहिए उनमें मौर्य और गुप्त ये दोनों आते हैं। अब कहानी कुछ इस प्रकार सी है कि गुप्त साम्राज्य का जो उदय है वो मौर्य साम्राज्य के खंडहरों पर हुआ था, और साथ ही साथ ये वो दौर था जब इस पूरी दुनिया में फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी डेवलप हो रही थी, सामंतवादी व्यवस्था डेवलप हो रही थी। आप लोग कॉन्टेम्पररी हिस्ट्री के बारे में अच्छी खासी समझ रखते हैं जो मैंने आपको कई बार पीछे पढ़ाई हुई है। अगर इसी टाइम पीरियड में आप यूरोप को देखें तो वहां पे फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी है। अगर आप अरब जगत को देखें, अरेबियन कंट्रीज को देखें, तो वो तो डार्क चैप्टर ऑफ द हिस्ट्री है। अकॉर्डिंग टू कुरान वहां पे तो जाहिलियत का दौर है। इंडिया को देखें फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी है, चाइना को देखें फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी है, अफ्रीका को देखें डार्क है, वो भी डार्क है। तो इन सारी समस्याओं और परेशानियों के बीच में जब गुप्त काल का उदय हुआ तब इसको इतिहासकारों ने स्वर्ण युग कहा। हालांकि हम लोग इस बात का डिस्कशन कर चुके हैं कि इसको हम लोग गोल्डन पीरियड इसके डेवलपमेंट्स इनके एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से नहीं कहते, इसको गोल्डन पीरियड कहते हैं इनके आर्ट एंड लिटरेचर्स की वजह से। तो ये जो प्री गुप्ता का मैप आप इस समय देख रहे हैं इसमें आपको कुषाण और सातवाहन नजर आते हैं। ऊपर की साइड पर जो ये वाला शेडेड पोर्शन आपको नजर आ रहा ये वो एरिया है जहां पर कुषाण रूल करते थे। कुषाण कब आते हैं? जब शुंग और कण्व वीक होने लग जाते हैं, विदेशी हमले हुए, कुषाणों ने एम्पायर जमाया, ये कनिष्क का रूलिंग एरिया है। लेकिन कण्व के बाद जब डेकन में सातवाहन आते हैं तो सातवाहनों ने अच्छी खासी पकड़ बनाई थी और कुषाणों को दक्कन में आने से रोका था। तो ये दोनों शेडेड पोर्शन मिलकर के कुषाण और सातवाहन बन जाते हैं। और एक समय में जब गुप्त काल का विकास होगा तो इस पूरे एरिया पे गुप्तों का शासन हो जाएगा। ये है गुप्तों का बैकग्राउंड। आगे की कहानी में श्री गुप्त का नाम आता है और ईयर है 240 AD। मेरे ख्याल में अब आप ये पहली कहानी पढ़ रहे हैं जो इस सदी की है। अभी तक जो कुछ भी आपने पढ़ा वो सब BC में पढ़ा था। तो AD की पहली स्टोरी गुप्त काल से ही शुरू होती है। 240 AD में गुप्त काल वॉज स्टार्टेड, गुप्ता एम्पायर वॉज फाउंडेड बाई द श्री गुप्त। लेकिन जब हम लोग गुप्त संवत की बात करते हैं, गुप्तों ने कैलेंडर भी चलाया, तो वो कैलेंडर चलाया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, जो कि 320 AD में हुए। फ्रॉम रेसिड्यू ऑफ कुषाण्स, जैसा कि अभी पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया कि कुषाणों की खंडहर पर गुप्तों का विकास हुआ और बेसिकली ये सब प्रयागराज इलाहाबाद से बिलोंग करते थे। धीरे धीरे इन्होंने अपना साइज बड़ा किया और बड़ा करके पूरे देश में फैले। गुप्तों की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है मैरिज अलायंस और डिप्लोमेसी। अपने डिप्लोमेटिक स्ट्रक्चर की वजह से ये आज भी याद किए जाते हैं, इसीलिए स्ट्रेटेन होल्ड बाई मैरिज एंड डिप्लोमेटिक अलायंस। साथ ही साथ
इनकी अर्थव्यवस्था जो बहुत आगे तक निकल के गई, उसका रीजन था फर्टाइल लैंड एंड मिनरल एडेड टू देयर इकोनॉमी। अगर आप गंगा के दोआब क्षेत्र को देखें, कोई भी व्यक्ति जो प्रयागराज में रहता होगा या कोई एम्पायर जो प्रयागराज में डेवलप हुआ होगा, जाहिर सी बात है ना, वो संगम में होगा, एक तरफ गंगा एक तरफ यमुना, और गंगा यमुना के बीच में फर्टाइल लैंड है। प्रयागराज पार करेंगे तो माइनिंग शुरू हो जाएगी, वहां पे आयरन की माइंस हैं। इस तरफ रहेंगे तो फूड ग्रेन्स हैं ढेर सारे, तो ना ही फूड ग्रेन्स की कोई प्रॉब्लम है, ना ही मिनरल्स की कोई प्रॉब्लम है। और अगर ये दो चीजें किसी भी स्टेट को मिल जाए तो उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होना ही है, और यही गुप्तों की सबसे बड़ी शक्ति है। अब अगर हम लोग उस नक्शे को देखें, जब गुप्त अपनी शक्ति के चरम पर पहुंचे तो उसको बेस्ट एक्सप्रेस करने वाला मैप ये है। और इस मैप के ऊपर आप देख सकते हैं कि ना ही अब आपको कुषाण नजर आते हैं, ना ही आपको सातवाहन नजर आते हैं, और ये जो भगवा कलर दिख रहा, ये इंडिकेशन है गुप्तों का। डेक्कन को छोड़ दिया जाए, क्योंकि यहां पे अभी चालुक्यों का शासन है। डेक्कन को छोड़ने के अलावा आप ऑलमोस्ट देख रहे हैं कि पूरा इंडिया एक ही कलर से रंगा हुआ है। हालांकि इनका जो एम्पायर है वो इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा मौर्यों का था। मौर्यों से साइज में ये दो तिहाई हैं, लेकिन फिर भी अपनी शक्ति को ये मौर्यों के जितना ही बनाए हुए हैं। अगर हम लोग कॉन्टेम्परेरी एम्पायर्स की बात करें, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पूरी दुनिया में फ्यूडलिस्टिक सोसाइटीज का डेवलपमेंट हो रहा है, सामंतवादी व्यवस्था का विकास हो रहा है पूरी दुनिया में, तो जिस दौर में गुप्त भारत में है उसी दौर में यूरोप के अंदर रोमन एम्पायर है, चीन के अंदर हूण है, पर्शियन एम्पायर है अरब के अंदर, और कुछ लोकल और रीजनल एम्पायर्स भी हैं। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो रोमन एम्पायर, हूण और पर्शियन एम्पायर है, तभी इनका ट्रेड एंड बिजनेस भी इनके साथ हो सकेगा और सिल्क रूट का डेवलपमेंट भी यहां पर हो सकेगा। इस मैप के माध्यम से आप उन ट्रेड रूट्स को भी देख सकते हैं कि गुप्तों ने अपना ट्रेड कहां से लेकर के कहां तक किया, क्या चीज को इंपोर्ट किया और क्या चीज को एक्सपोर्ट किया, इस मैप में आपको मिल जाएगा। बेस्ट एक्सप्रेशन आप यहां से कर सकते हैं। ये सारे जो रास्ते यहां पे आपको रेड कलर से नजर आ रहे हैं, ये या तो गुप्तों के द्वारा विकास किया गया है या चाइना के द्वारा विकास किया गया है, और इनमें से कुछ रूट ऐसे भी हैं जिनको हम लोग सिल्क रूट के नाम से जानते हैं, आज भी सिल्क रूट के नाम से जानते हैं और इस काल में भी सिल्क रूट के नाम से जानते थे। सिल्क रूट या रेशम मार्ग आप कह सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो आप इसी मैप को अगर देखेंगे तो ये यहां पर अफ्रीका है, अफ्रीका से गोल्ड इस तरीके से इंपोर्ट किया गया और उसके बाद में आगे सिंगापुर और इंडोनेशिया को एक्सपोर्ट किया गया। रेशम चाइना से इंपोर्ट किया गया, यूरोप को मसाले एक्सपोर्ट किए गए, अरब को मसाले एक्सपोर्ट किए गए, और उससे रिलेटेड ये सारे रास्ते यहां पे आपको नजर आते हैं। अब बात आती है एविडेंसेस की, तो अगर एविडेंस की बात करेंगे तो कुछ यहाँ पे सोर्सेज हमारे पास हैं जिनको हम पिलर इंस्क्रिप्शन का नाम देते हैं। प्रयाग प्रशस्ति और महरौली प्रशस्ति, ये दो बड़े हमारे पास में आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं जो इस काल के बारे में या इसके पीछे के काल के बारे में बताते हैं। महरौली, ध्यान रहे कुतुब मीनार जहां पर स्थित है उस पूरे क्षेत्र को महरौली कहते हैं, वहीं पर ये पिलर लगा हुआ है इसलिए इसको महरौली प्रशस्ति कहते हैं। और प्रयागराज तो आप समझ ही गए होंगे, कई बार ऐसा छोटा क्वेश्चन पूछा गया है कि महरौली स्थित कहां है, दिल्ली, क्लियर। कुतुब मीनार पोर्च जो है उसी को महरौली कहते हैं। अगर हम लोग लिटरेरी एविडेंसेस की बात करेंगे तो कालिदास की कहानी मैं आपको सुना ही चुका हूं, बेस्ट जो हमारे पास में एविडेंस है वो कालिदास के लिटरेचर से। भाषा भाष्य हैं हमारे पास, बहुत सारे भाष्य लिखे गए इस काल के अंदर, और फाहियान, इसी काल में फाहियान भारत आया था, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, किसके दरबार में आया था, तो वो बात की बात है। और अब दरबार वाले क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाएंगे, अब एनालिटिकल क्वेश्चन आएंगे। अदर रिसोर्सेज की बात अगर हम लोग करेंगे या अदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की बात अगर हम लोग करेंगे तो अजंता एलोरा पेंटिंग्स, अजंता एलोरा की गुफाएं हैं वो हमारे पास में आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, और सोने के सिक्के।
ये देख सकते हैं आप, ये कुछ नमूने हैं जिनके चलते गुप्त काल को स्वर्ण युग का दर्जा मिला। एक तो वॉल पेंटिंग है जो आपको नजर आ रही है, और दूसरा यहां पे इंस्क्रिप्शन है जो आपको नजर आ रहा है। ये कुछ एक पेंटिंग्स हैं, ये सब वॉल पेंटिंग्स हैं, फ्रेंको फॉर्म में बनाई गई हैं, अजंता एलोरा की गुफा के अंदर हैं ये सब। आप आइडिया लगाइए कि 2000 साल पहले इनको बनाने में कितनी मुश्किल आई होगी, या किस कारीगरी से बनाई गई होंगी जो आज भी इस हाल में सुरक्षित हैं। कलर जो इसमें यूज किए गए हैं वो सारे नेचुरल हैं, या तो पत्तों को पीस करके बनाए गए हैं या तो फूलों को पीस करके बनाए गए हैं। अगर हम लोग क्रोनोलॉजी की बात करें गुप्त काल को समझने के लिए, अगर हम लोग इसकी क्रोनोलॉजी की बात करेंगे तो सबसे पहले आप देख सकते हैं श्रीगुप्त के द्वारा गुप्त काल का प्रारंभ किया जाता है। श्रीगुप्त के बाद इनका बेटा आता है जिसका नाम है घटोत्कच। ये घटोत्कच महाभारत के कैरेक्टर वाला घटोत्कच है कि नहीं, इस बात की कोई हमारे पास अभी आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन नाम घटोत्कच इतिहास में दर्ज है। 240 AD में ये गुप्त काल को शुरू करते हैं, 40 साल का शासन, और दूसरे नंबर पर आते हैं घटोत्कच 280 AD में। लेकिन घटोत्कच के बाद जब यहाँ पर 40 साल के शासन के बाद चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं, तब इनको रियल फाउंडर ऑफ द गुप्त डायनेस्टी कहा जाता है। तो कभी भी वास्तविक संस्थापक की बात करी जाए कि हु वॉज कंसिडर्ड एज अ रियल फाउंडर ऑफ द गुप्त डायनेस्टी, तो आंसर विल बी चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त के बाद 30 साल बाद इनके बेटे समुद्रगुप्त आते हैं। समुद्रगुप्त इज कंसिडर्ड एज अ नेपोलियन ऑफ इंडिया। आयरन एंड ब्लड पॉलिसी इनकी, जो पॉलिसी पीछे भी आप लोग पढ़ के आए हैं। और इसके बाद आते हैं गुप्त काल के अब तक के महानतम शासक, जिनको चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, 390 AD। बस यहीं से गुप्त काल का डिक्लाइन शुरू हो जाता है, क्योंकि फ्यूडलिस्टिक सिस्टम, सामंतवादी व्यवस्था अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाती है। और इसके बाद 415 में आते हैं कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बाद आते हैं स्कंदगुप्त। ऐसी मान्यता है कि स्कंद पुराण इन्हीं के समय में लिखा गया, क्योंकि इनका नाम स्कंदगुप्त था। और आखिरी में आते हैं भानुगुप्त 510 AD में। बमुश्किल इन्होंने 10 साल शासन किया होगा, और 10 साल के शासन के बाद भी गुप्त काल जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन की तरफ चला जाता है, और 520 तक ये समाप्त हो जाता है। अब अगर हम लोग 320 से शुरू करें और 420 तक जाएं, 320 से शुरू करने का मतलब है चंद्रगुप्त वंश से शुरू करें और वहां तक जाएं, तो आप देख रहे हैं कि करीब करीब 200 साल तक ये अपने चरम पर रहे होंगे, और अगर पूरा मिला लिया जाए तो करीब 300 साल तक। तो शासन मौर्यों के जितना ही किया, लेकिन मौर्यों के समय के हमारे पास में लिटरेरी एविडेंस या आर्ट एंड क्राफ्ट के एविडेंस बहुत ज्यादा नहीं है, जबकि गुप्तों के समय के हैं। ये रीजन है कि इनके बारे में जो रिसर्च है वो भी हमारे पास काफी सारी हो जाती है। अब सबसे पहले हम लोग चंद्रगुप्त वन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि रियल फाउंडर की बात आपको क्लियर हो गई होगी, तो हम लोग यहां पे 320 AD चंद्रगुप्त वन से शुरू करेंगे। स्टार्टेड गुप्ता एरा एंड नोन एज गोल्डन पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री, कंट्रोल्ड मगध टू प्रयाग विद द कैपिटल ऑफ पाटलिपुत्र। जैसा कि आप जानते हैं कि इनका जो प्रशासन है वो सारा प्रयागराज इलाहाबाद से कंट्रोल होता है, लेकिन राजधानी इन्होंने पाटलिपुत्र यानी कि आज की पटना को ही बनाया, ड्यू टू द स्ट्रेटेजिक लोकेशन। पीसफुल रूलर बिकॉज मेड अलायंस ऑन द बेसिस ऑफ डिप्लोमेसी एंड मैरिज। शांति प्रिय राजा था ये, और इसने अपने शासन में दो चीजों को बहुत महत्व दिया, पहला डिप्लोमेसी यानी कि कूटनीति, और दूसरा शादी। आप दुश्मनी मरते दम तक निभाएंगे, या तो खुद बर्बाद हो जाएंगे या सामने वाला बर्बाद हो जाएगा, लेकिन अगर दुश्मन को दोस्त बना लिया जाए तो दोनों की टेंशन खत्म हो जाएगी। शायद यही विचार चंद्रगुप्त वन का था, तो पहले बनाया जाए दोस्त, फिर दोस्ती को रिश्तेदारी में बदला जाए, शादी कर ली जाए। तो पहले के समय में बाई मैरिजेस का प्रावधान भी इसीलिए था, बहुविवाह भी इसीलिए होते थे, क्योंकि डिप्लोमेटिक तरीके से चीजों को हैंडल किया जाता था। इन्होंने जो शादी करी
वो लच्छवी की राजकुमारी से करी और उस लड़की का नाम था कुमार देवी। सुंदर लड़की थी, लच्छवी से इनकी बहुत भयानक शत्रुता थी। गुप्त लच्छवी के खून के प्यासे, लच्छवी गुप्तों के खून के प्यासे, और फिर उस चंद्रगुप्त गुजरे होंगे, लच्छवी से नजर पड़ी होगी उनकी लड़की पे, राजकुमारी पे, कुमार देवी पे। तो कुछ कुछ वैसा ही हुआ होगा जैसा आपने चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ा था, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा था। तो यहां पे मैरिज अलायंस बनते हैं, कुमार देवी से चंद्रगुप्त वन की शादी हो जाती है, और शादी होने के बाद लच्छवी से शत्रुता हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि लच्छवी से दुश्मनी कैसे खत्म हुई। अगर आप सिविल सर्विसेज मेंस में जाएंगे तो और हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अभी हम लोग फोकस केवल प्री के ऊपर कर रहे हैं, तो फैक्ट फैक्ट को पकड़ेंगे। अब आपको याद होगा कि जो हेलेना थी, उसके पापा ने अपनी बिटिया की हाल खबर लेने के लिए भिजवाया था ना दूत मेगास्थनीज, कि जाओ देख क्या हो तुम्हारी दीदी कैसी है। तो यहां पर भी भिजवाया जाएगा कि दुश्मन के साथ बेटी की शादी करके दुश्मनी को तो खत्म कर दिया, लेकिन लड़की हमारी कैसी है। तो उसको भी जब लोग आए देखने के लिए तो बताया गया नहीं, बड़ी खुश है। बड़ी खुश इसलिए है क्योंकि चंद्रगुप्त ने सोने के सिक्के रिलीज करवाए हैं अपनी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी पे, और सिक्के में एक तरफ चंद्रगुप्त की फोटो बनी है और दूसरी तरफ कुमार देवी की फोटो बनी है। तो सोचिए, जो व्यक्ति अपनी बीवी के नाम पे सोने का सिक्का रिलीज करवाएगा उसकी फोटो बनवा करके, और सोने का सिक्का का मतलब कोई टोकन, कोई सिंबॉलिक करेंसी नहीं, टोकन करेंसी जो चलेगी मार्केट में, तो लड़की खुश होगी तभी वो ऐसा करवाएगा। तो ये भी क्वेश्चन अनेक बार पूछा गया कि अपनी पत्नी या अपनी राजकुमारी की फोटो बना करके किसने सिक्का रिलीज किया, तो वो भी चंद्रगुप्त वन हो जाता है। रिलीज गोल्ड क्वाइंस ऑन द नेम ऑफ हिज वाइफ टू मार्क द मैरिज एंड पॉलिटिकल अलायंस। और शादी के बाद लच्छवी प्रोविंस केम अंडर हिज कंट्रोल आफ्टर मैरिज। ह्यूज गैंगेटिक प्लेन्स एंड मिनरल रिसोर्सेज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमी। गंगा के जो विशाल मैदान हैं, यहां पर कृषि बहुत अच्छी होती है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। प्रयागराज को पार करेंगे तो माइनिंग बहुत अच्छी है। तो अगर फूड ग्रेन्स की प्रॉब्लम नहीं है, मिनरल्स की प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आपको किस बात की दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इकोनॉमी बूस्ट करती चली जाएगी। तो इस तरीके से चंद्रगुप्त वन का शासन समाप्त होता है, और चंद्रगुप्त वन के बाद इनके उत्तराधिकारी आते हैं जिनका नाम है समुद्रगुप्त। लेकिन समुद्रगुप्त से पहले यह सिक्का आपको देखना पड़ेगा। सिक्के के दोनों पहलू आपके सामने हैं, आप पहचान पा रहे होंगे इसमें पुरुष कौन है, महिला कौन है। तो ये हैं कुमार देवी, बगल में है चंद्रगुप्त, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये सोने का सिक्का है, देखने में भी आपको वजनदार नजर आ रहा होगा। तो ये इस काल का एक बहुत बड़ा एविडेंस और बहुत फेमस पॉइंट है ये। अब सवाल उठता है कि गोल्डन एज क्यों कहा? क्या केवल सोने के सिक्के की वजह से? पॉसिबल ही नहीं है। सोने के सिक्के तो हर जगह मिलते हैं। इस काल को हम लोग स्वर्ण युग इसलिए कहते हैं क्योंकि कुछ अलग अलग पैरामीटर्स पे हमने परखा, और उसमें जो पहला पैरामीटर है वो है जीवन। यहां के लोगों का जीवन कैसा था? तो अगर जीवन की बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द रेफरेंसेस गिवन टू द टेक्स्टेज ऑफ द फाहियान ने लिखा, हम नहीं कर रहे। हम अपनी बात कहेंगे तो फिर ये होगा कि नहीं, अपनी तारीफ तो सभी करते हैं। बाहर का आदमी क्या कहता है? बाहर के आदमी ने कहा कि कास्ट सिस्टम होता है यहां पर, डिफाइंड रोल्स हैं विच मेड सोसाइटी स्टेबल। जाति व्यवस्था तो है लेकिन सभी के कार्य निश्चित हैं, सभी के कार्य फिक्स हैं, जिसकी वजह से समाज को एक स्थायित्व मिला हुआ है। पीपल वर हैप्पी एंड कंटेंट, लोग खुश हैं, खुशहाल हैं, पैसे वाले हैं, भुखमरी नहीं है, गरीबी नहीं है इस समाज में,
पीपल पेड टैक्सेस लोग कर देते हैं, ज्वाइंट फैमिलीज होती हैं, गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम है यहां पर, और परिवार का जो सबसे बुजुर्ग सदस्य है वो घर का मुखिया होता है। विमेन वॉज नॉट इक्वली एम्पावर्ड, महिलाएं पुरुषों के बराबर नहीं है। महिलाओं की स्थिति में अब गिरावट आने लगी है क्योंकि अब फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी डेवलप हो रही है, लेकिन फिर भी स्थिति अच्छी है। पुरुषों के बराबर तो नहीं, लेकिन स्थिति अच्छी है। फैमिली ऑक्यूपेशन इज पास डाउन द लाइन, घर में जो भी व्यापार होता है, जो भी ट्रेड होता है, वो परंपरागत है। पिता के बाद उसका पुत्र वही व्यापार करता है, पुत्र के बाद उसका पुत्र वही व्यापार करता है। अरेंज मैरिजेज होती हैं, और कॉन्सेप्ट ऑफ स्लेव्स हैड सम प्लेसेस दैट टाइम, कुछ जगहों पर दास प्रथा का प्रारंभ होता है। लेकिन ये दास वैसे नहीं है जैसे यूरोप में होते हैं, जैसे अमेरिका में होते हैं। भारत में दासों की स्थिति बड़ी अच्छी होती है, तब भी बहुत अच्छी थी, आज भी बहुत अच्छी है। समाज के बाद अगला नंबर आता है गवर्नेंस का। जब स्वर्ण युग की सरकार को आप देखते हैं तो डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट पाते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट का मतलब है शक्ति का एक हाथ में ना होना। ताकत जब भी एक हाथ में होगी उसके दुरुपयोग का खतरा बढ़ जाएगा। शिव ने भस्मासुर को शक्ति दी, उसने दुरुपयोग किया। शनिदेव को शक्ति दी, दुरुपयोग हुआ। जब भी शक्ति एक हाथ में गई उसका दुरुपयोग हुआ। इसीलिए बेस्ट फॉर्म ऑफ रूलिंग होती है डिसेंट्रलाइजेशन। ताकत कभी एक व्यक्ति के हाथ में दो ही मत। तो जैसे आज केंद्र की सरकार होती है, राज्य की सरकार होती है, फिर स्थानीय सरकार होती है, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट होती है, उसी तरीके से तब भी होता था। एक सरकार नहीं होती थी, अलग अलग सरकारें होती थी। लोकल एंड रिस्पेक्टेड पीपल वर इन्वॉल्व, और सरकारों में स्थानीय प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया गया था। जो अमीर लोग हैं या जो समाज में रिस्पेक्टेड लोग हैं उनको सरकार में जगह थी। लोकल लीडर्स वर इलेक्टेड बाय मर्चेंट्स एंड आर्टिशियंस, जो काश्तकार हैं, जो व्यापारी हैं, उनके द्वारा स्थानीय नेताओं को चुना जाता था। लगभग वैसे ही जैसे आज के समय में MLCs को चुना जाता है। अंपायर डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस, डिस्ट्रिक्ट एंड विलेजेस, आज जैसे तीन सरकार हैं वैसे तब भी तीन सरकारें थी, केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार। गवर्न बाय मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिली एंड अ लोकल काउंसिलर कॉल्ड अ विश्वमित्र। रॉयल फैमिली शाही परिवार यानी कि राज परिवार, डेमोक्रेसी तो है नहीं, और डेमोक्रेसी ना होने के बावजूद सरकार डिसेंट्रलाइज्ड है, ये विशेषता है। मोनार्कियल डिसेंट्रलाइजेशन है यहां पर, ये एक बड़ा खूबसूरत टर्म है, इसको याद रखिएगा, मोनार्कियल डिसेंट्रलाइजेशन, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ गुप्ता एम्पायर। राजतंत्रात्मक विकेंद्रीकरण शासन है यहां पर, और जो लोकल लोग हैं जैसे मेयर जो आजकल के समय में होते हैं, तो उस समय मेयर की हैसियत रखने वाले लोगों को विश्वमित्र कहा जाता था। ये शाही परिवार के, ये राज परिवार के खासम खास होते थे। हेडमैन एंड काउंसिल मेड डिसीजन फॉर द विलेजेस, और गांव के स्तर पर कानून बनाना, गांव के स्तर पर कोई भी निर्णय लेना, ये ग्राम समुदाय का ही काम था, ये ग्राम समाज का ही काम था, इसमें शाही परिवार का कोई हस्तक्षेप नहीं था। एजुकेशन की बात करेंगे तो हिंदू एंड बुद्धिस्ट स्कूल नालंदा, तक्षशिला और उज्जैनी इसी काल में थे, और ये विश्व के सबसे बड़े स्कूल्स हैं। जिस जमाने में लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, उस समय इंडिया में दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी जिसको तक्षशिला कहा गया। नालंदा को जब बख्तियार खिलजी ने जलाया तो कई दिनों तक आग नहीं बुझी थी, किताबें इतनी सारी भरी पड़ी थी। तो ये जबरदस्त एजुकेशन सिस्टम यहां पर होता था। मैथमेटिक्स, मेडिसिन, फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, लैंग्वेजेस, रिलीजन एंड फिलोसफी, ये सब कुछ यहां पर पढ़ाया जाता था। जहां तक मैंने गुप्त काल को एब्जॉर्व किया तो ये पाया
कि गुप्त काल में एजुकेशन सिस्टम इतना जबरदस्त इसलिए भी हो गया था क्योंकि गुप्त काल तक आते आते लगभग सभी पुराण लिखे जा चुके थे। गुप्त काल तक आते आते लगभग सभी भाषा भाष्य, सभी स्मृतियां और सारी फिलोसफीज लिखी जा चुकी थी। और ये लिटरेचरल डेवलपमेंट तो हम लोग प्रीवैदिक काल से देख रहे हैं। दुनिया की पहली टेक्स्ट बुक ऋग्वेद, अब सारी लिखाई हो चुकी है तो अब उसको पढ़ने का समय आएगा तो जाहिर है कि एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा। आर्मी और लोकल सिक्योरिटी की बात करें, सेना और स्थानीय सुरक्षा की बात करें, टू प्रिवेंट विलेजर्स फ्रॉम बैंडिट स्क्वाड वर फॉर्म, लुटेरों से बचाने के लिए गांवों में छोटे छोटे स्क्वाड बनाए गए थे, छोटे छोटे गश्ती दल बनाए गए थे। इनमें एक हाथी होता था, एक रथ, 3 आर्मर्ड कैवलरी मैन, 3 बंदूकधारी सैनिक, बंदूकधारी इन द सेंस तलवारधारी बालाधारी सैनिक, एंड 5 फुट सोल्जर, 5 होते थे पैदल सैनिक। जिस प्रकार से आज पुलिस चौकी होती है और पुलिस चौकी में एक सब इंस्पेक्टर, एक दरोगा जी, कुछ सैनिक और एक पीआरवी गाड़ी होती है, लगभग उसी प्रकार से यहां पे ये सब कुछ हुआ करता था। ड्यूरिंग वॉर द स्क्वाड वर यूनाइटेड फ्रॉम द रॉयल आर्मी, और अगर कभी युद्ध हो गया तो ये जो छोटे छोटे से स्क्वाड हैं ये सारे शाही परिवार में क्लब हो जाएंगे और मिलकर के युद्ध लड़ेंगे। और अगर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ डिस्कशन करें तो ट्रेड और ट्रेड रूट्स की बारी आती है, जो कुछ 5-6 पैरामीटर्स हैं गुप्त काल को स्वर्ण काल कहने के लिए, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड एंड ट्रेड रूट्स हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात अगर हम लोग करेंगे तो साउथ ईस्ट एशिया से मसाले हम लोगों ने मंगाए, चाइना से मंगाया रेशम, घोड़े अरब से मंगाए गए, सोना और जो उससे रिलेटेड रॉ मटेरियल है ये अफ्रीका से मंगाया गया। एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो जितना भी सूत है, कॉटन है, ये भी साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका को एक्सपोर्ट किया गया। चावल और गेहूं के दाने अरब को एक्सपोर्ट किए गए क्योंकि खाने की बड़ी प्रॉब्लम थी। मसाले अरब और यूरोप को एक्सपोर्ट किए गए और सोना साउथ ईस्ट एशिया को एक्सपोर्ट किया गया। आज हम लोग जिस सर्विस सेक्टर इकोनॉमी की बात करते हैं उस सर्विस सेक्टर इकोनॉमी का पहली बार डेवलपमेंट अगर कहीं देखने के लिए मिलता है तो वो गुप्त काल है। आज हम लोग जिस ग्लोबल ट्रेड की बात करते हैं वो ग्लोबल ट्रेड हमको पहली बार यहीं पर देखने के लिए मिलता है। और आगे बढ़ेंगे तो ये रूट्स हैं जो मैं आपको पीछे भी क्लियर कर चुका हूं कि गुप्त काल के दौरान किस प्रकार से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया गया। ये सिल्क रूट है, और अब आखिरी में आते हैं लिटरेचर्स में। आर्ट एंड लिटरेचर की वजह से इसे गोल्डन पीरियड कहा गया, यह बात अब तक आपके दिमाग में बैठ गई होगी। लेकिन वो कौन से लिटरेचर हैं जो आज भी पूरी दुनिया में धूम मचा रहे हैं? तो ये कुछ किताबें हैं आपके सामने, इनके कवर पेजेस को भी आप देख सकते हैं। हो सकता है इनमें से किसी किताब का सामना आपके जीवन में कभी आपसे हुआ भी हो। जैसे ये पंचतंत्र की कहानियां विष्णु शर्मा ने लिखी, ये किताब शायद आपने बचपन में कभी पढ़ी होगी। कहीं कहीं पे स्कूल के सिलेबस में भी ये बुक होती है नॉवेल के रूप में। ये काम सूत्र, इस किताब को लेकर के बहुत सारी क्यूरोसिटी होती है लोगों के अंदर कि काम सूत्र आखिर क्या है या काम का मतलब क्या होता है। वात्स्यायन ने यह किताब लिखी है। अभिज्ञान शकुंतलम की पूरी कहानी मैंने आपको सुनाई थी लास्ट लेक्चर में, ये किताब कालिदास ने लिखी है, और रघुवंशम भी ये किताब कालिदास ने लिखी है। ये वो महान ग्रंथ हैं जो आज भी पूरी दुनिया में फेमस हैं, जिनमें कालिदास के नाम पर जो फेमस बुक्स हैं वो हैं अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम
और एक किताब मैंने आपको पीछे बताई हुई है मालविका अग्निमित्रम। विष्णु शर्मा की पंचतंत्र बहुत फेमस बुक है, वात्स्यायन का है काम सूत्र और न्याय सूत्र, आर्यभट्ट फादर ऑफ मैथमेटिक्स इनकी किताब है आर्यभट्टम, वराहमिहिर फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी, नारद मुनि नाट्यशास्त्र, ये सारी पुस्तकें हैं। चूंकि हम लोग लिटरेचर पढ़ रहे हैं इसलिए मैं आपको एक छोटी सी सूचना देना चाहता हूं। हम लोगों ने पोस्ट वैदिक एज में एक दिन मनुस्मृति के ऊपर चर्चा करी थी और मैंने आपको बताया कि पर्सनल लाइफ जीने के चार नियम बताए गए मनुस्मृति में, धर्म अर्थ काम मोक्ष। आप अपने जीवन में सबसे पहले धर्म की शिक्षा लीजिए। धर्म का मतलब होता है एजुकेशन, धर्म का मतलब होता है डिसिप्लिन, धर्म का मतलब होता है वो काम जो आपके लिए बना हुआ है। जब धर्म की शिक्षा आपकी पूरी हो जाएगी उसके बाद नंबर आता है अर्थ का। अर्थ का मतलब है कि फिर आप पैसे कमाइए, जो भी आपका रोजी रोजगार है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। जब लाइफ स्टेबल हो जाए, कैरियर वैरियर बन जाए, जहां भी सिलेक्शन होना है हो जाए, उसके बाद नंबर आता है काम का। और काम को लेकर के गलत फहमी दूर कर लीजिए। काम का मतलब सेक्स नहीं है, काम का मतलब है एंटरटेनमेंट, काम का मतलब है लग्जरीज, काम का मतलब है इच्छा, काम का मतलब है हसरत, जो आप अपनी हसरतें पूरी करना चाहते हैं। वो कब कर पाओगे? जब पढ़े लिखे होगे, जब जेब में पैसा होगा। इसलिए तीसरा रूल है काम। और जब काम भी कर लो, घर बनवा लिया, गाड़ी खरीद ली, शादी कर ली, बच्चे पैदा कर लिए, जहां घूमना है दुनिया देखनी है घूम लिया, क्या बता जीवन में मरने के अलावा? मोक्ष आखिरी नंबर पे आता है, मोक्ष। तो प्रॉब्लम ये आती है कि धर्म को लेकर के बहुत सारी किताबें लिखी गई। धर्म को लेकर के सबसे अच्छी किताब तो ऋग्वेद ही है। ब्राह्मण है यजुर्वेद पढ़िए, जादू टोना टुटका करते हैं तो अथर्ववेद पढ़िए, टीचर बनना है ऋग्वेद पढ़िए। अर्थ को लेकर के भी बहुत सारी किताबें, आचार्य चाणक्य की अर्थशास्त्र, काम को लेकर के काम सूत्र, मोक्ष को लेकर के कौन सी किताब है? ऐसी कौन सी किताब है जिसको पढ़ करके मोक्ष मिल जाएगा? कोई किताब नहीं है। ये तो बड़े कॉमन सेंस वाली बात है कि मोक्ष कोई किताब कैसे दिला सकती है। तो इस काल तक आते आते मोक्ष के कॉन्सेप्ट्स को लेकर के एक डिस्प्यूट तैयार होता है कि मोक्ष मिलेगा कैसे, और तब लोग गुरुओं की शरण में जाएंगे। और यहां से मोक्ष को लेकर के कुछ अच्छी बातें भी निकलेंगी, कुछ खराब बातें भी निकलेंगी, और मोक्ष को लेकर के नए नए कॉन्सेप्ट्स गढ़े जाएंगे। कोई कहेगा अच्छी आत्मा को मोक्ष मिलेगा, तो कोई कहेगा बुरी आत्मा को मिलेगा। अच्छी आत्मा बुरी आत्मा का कॉन्सेप्ट आएगा, स्वर्ग और नर्क का कॉन्सेप्ट आएगा, वैकुंठ और हरि का कॉन्सेप्ट आएगा, और फिर से 100 नई किताबें। और इसी फेर में ये समाज फंस जाएगा। इन सारी परेशानियों से सोसाइटी को उभारने का काम जो व्यक्ति करेगा उसे कहेंगे जगत गुरु शंकराचार्य। और वो महान सिद्धांत आने में करीब 500 साल और लग जाएंगे, और उस महान सिद्धांत को कहेंगे नॉन डुअलिस्टिक थियरी, अद्वैतवाद का सिद्धांत। लेकिन अफसोस कि आज भी लोग अद्वैतवाद को नहीं जानते और ना जानना चाहते हैं। और जहां तक मेरा अनुभव है कि लोग इतने पढ़े लिखे हैं ही नहीं कि नॉन डुअलिस्टिक थियरी को समझ पाए। लेकिन मैं समझाऊंगा, आपको चिंता ना करिए। एक रिकॉर्डेड लेक्चर पहले से अवेलेबल है, अगर आप समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं। काम सूत्र को लेकर के भ्रांतियां दूर हो जानी चाहिए आपकी। काम सूत्र में एक वैवाहिक जीवन को कैसे खुशहाल रखा जाए, परिवार में ग्रह कलेश से कैसे बचा जाए, इसके बारे में बताया गया है।
ऐसी कौन सी बात है जो कहने से पत्नी नाराज हो सकती है, और ऐसे कौन सी बात है जो कहने से प्रसन्न हो सकती है? ये सब काम के अंतर्गत ही आता है। इसीलिए इस किताब के अंदर 64 काम कलाओं का वर्णन है। उन काम कलाओं को लोग कुछ अलग सेंस में ले लेते हैं, किताब नहीं पढ़ी ना, अनपढ़ है सोसाइटी हमारी। 64 काम कलाओं का वर्णन है। उतना डिटेल में मैं आपको ले नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूं कि एक अच्छे हस्बैंड के लक्षण क्या होने चाहिए, इस किताब में बताए गए हैं। वो 64 गुण जिसके अंदर होंगे वो जीवन में कभी दुखी नहीं रहेगा, ये बताया गया है। स्त्री के केश अच्छी तरीके से संवारने आते हो, बीवी की कभी तबीयत खराब हो बाल झाड़ सको, उसके बढ़िया चुटिया बना सको, खाना पकाना आता हो, बर्तन साफ करना आता हो, आवाज अच्छी हो या ना हो गाना गाना आता हो, कहीं 10 लोगों के बीच में फंस गए पार्टी वार्टी में डांस करने के लिए कह दिया गया तो कम से कम ऐसा डांस आता हो कि लोग तालियां बजा सकें, कुछ जो कुछ मुहावरे आते हो, कभी कोई कपड़ा फट जाए तो सिलाई करनी आती हो, ये 64 क्वालिटीज होनी चाहिए किसी हस्बैंड में जो देखी जाती हैं औरतों में। लड़कियों में यही तो देखा जाता है ना शादी से पहले, ये आदमियों में होना चाहिए, ये कहते हैं वात्स्यायन। अब आप कल्पना कर लो जिस लड़के के अंदर ये क्वालिटीज होंगी वो कभी दुखी रहेगा जीवन में? पहली बात तो ये कि उसको औरत की नीड नहीं, फिर खाना खुद ही बनाएगा, कपड़ा खुद ही धोएगा, बर्तन खुद ही साफ करेगा, काहे की नीड है? लेकिन फिर भी जब उसकी शादी होगी तो वो कभी दुखी नहीं रहेगा, ये बताती है ये किताब। और गुप्त काल में चूंकि फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी है इसलिए प्रॉब्लम्स आई थी, तो इसको लेकर के भी एक शॉर्ट नोट में आप अपना ध्यान ठीक कर लें। आप इसको PDF इसका डाउनलोड कर सकते हैं इस किताब का गूगल पे जाकर के, और इसको पढ़ सकते हैं। अब चर्चा करते हैं एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स की। सबसे पहले आर्यभट्ट के जो गिफ्ट है हमारे देश को और इस दुनिया को तोहफे, वो देख लीजिए। 0 आर्यभट्ट की देन है। डेसिमल सिस्टम आर्यभट्ट की देन है। वैल्यू ऑफ पाई, पाई की जो वैल्यू है वो भी आर्यभट्ट ने बनाई। एक्लिप्स ग्रहण क्या होता है पहली बार आर्यभट्ट ने सिखाया। सोलर ईयर सौर वर्ष किसे कहते हैं आर्यभट्ट ने सिखाया। कॉन्सेप्ट ऑफ इनफाइनाइट आर्यभट्ट ने बताया। कैलकुलेटेड पोजिशंस ऑफ द प्लैनेट्स अर्थ एक्सिस एंड रोटेशन स्फेरिकल अर्थ, और ये सारे महान कॉन्सेप्ट अर्थशास्त्र बताते हैं। आर्यभट्टम द फर्स्ट एवर बुक ऑन एल्जेब्रा। वराहमिहिर की बात अगर करी जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई इन्होंने कि मून रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ एंड अर्थ अराउंड सन। पहले लोग समझते थे कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, कुछ लोग हैं दुनिया में जो आज भी समझते हैं कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आप बाद में इसके बारे में जांच कर लीजिएगा कि दुनिया में वो कौन कौन से देश हैं जहां पे आज भी सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। बच्चों के सिलेबस में, एजुकेशन सिस्टम में, कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स की बात भी पहली बार वराहमिहिर ने ही करी थी। मेडिसिन और एंटरटेनमेंट की बात करेंगे अगर हम, तो ओवर 500 डिस्टिंग्विश हर्ब एंड ओवर 1000 क्लासिफाइड डिजीज। 500 से ज्यादा जड़ी बूटियां जो आपकी 1000 से ज्यादा बीमारियों को दूर कर सकती हैं, इसके बारे में पहली जानकारी हमें गुप्त काल में ही मिलती है। इनैकुलेशन, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, ये सारी चीजें भी यहीं पर होती हैं। प्लास्टिक सर्जरी, पहली बार जो फेस ट्रांसप्लांट हुआ, प्लास्टिक सर्जरी हुई, वो यहीं पर हुई, जिसकी कहानी मैं आपको पीछे सुना चुका हूं। चेस, शतरंज का खेल हमारे ही देश की देन है। यही रीजन है कि विश्वनाथन आनंद जैसे लोग इसी देश में जन्मे। ये एक सर्जरी का एक पोर्ट्री है जो दिखाता है कि किस तरीके से प्लास्टिक सर्जरी हो रही है उस जमाने में। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो फ्रेस्को पेंटिंग क्या होती है आगे बताऊंगा, अजंता की गुफाओं में मिलती है। इंट्रोड्यूस टू आर्कियोलॉजिकल स्टाइल्स लाइक नागर एंड द्रविणियन टेम्पल। द्रविड़ और नागर शैली का जो उत्थान है वो भी इसी काल में होता है।
आर्ट हैड ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ हिंदुइज्म वेदर इन पेंटिंग्स एंड डिवोशनल क्लासिकल डांसेस सिंगिंग एंड प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स। आप चाहे किसी मंदिर को देखिए, इमारत को देखिए, गुफा को देखिए, कलाकृति को देखिए, वहां पे आपको गुप्त काल की ये धरोहरें अच्छी तरीके से नजर आ ही जाएंगी। ये चित्र भगवान विष्णु का जो आप देख रहे हैं लेटी हुई मुद्रा में, ये दशावतार मंदिर का चित्र है, झांसी में ये चित्र है और पंचायतन शैली में बना हुआ ये विश्व का पहला मंदिर है। भारत का तो है ही, विश्व का भी पहला मंदिर है दशावतार मंदिर झांसी, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। मंदिर कला की बात करेंगे तो इतिहास में पहली बार मंदिर गुप्त काल में ही बने। आप स्टोन एज से पढ़ाई करते चले आ रहे हैं, आपने अभी तक कहीं पे मंदिर नहीं देखे, ना स्टोन एज में, ना इंडस वैली में, ना ऋग्वेद में, ना प्री मौर्यन, ना पोस्ट मौर्यन, ना मौर्यन। पहली बार मंदिर यहीं बनता है, उसकी क्या कहानी है, इसका भी रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट उठाइए आर्ट एंड कल्चर, उसमें जाकर के देख सकते हैं। तो इस तरीके से यहां पे गुप्त काल ऑलमोस्ट खत्म होता है। बुद्ध को लेकर के सबसे ज्यादा पेंटिंग्स इसी काल में बनती हैं। गुप्त काल में राजकीय धर्म शैव धर्म जरूर था, शिव की उपासना यहां पर जरूर होती थी, लेकिन बौद्धों और जैनों के साथ कोई भी बुरा बर्ताव कभी नहीं किया गया। बुद्ध काल की, गुप्त काल की जो दो तीन बड़ी बड़ी क्वालिटीज है, उनमें पहली क्वालिटी है शैव धर्म का होना, दूसरी क्वालिटी है मंदिर निर्माण होना, यहां पे पहली बार मंदिर निर्माण होता है, और तीसरी क्वालिटी भगवान शिव को लेकर के शिव महापुराण की रचना और शिव को एक देवता के रूप में स्थापित करना, जबकि शिव अभी तक क्या थे, वो प्रकृति थे। तो ये कुछ बड़ी बड़ी चीजें गुप्त काल में निकल करके आती हैं, जिसकी चर्चा हम लोग और आगे अभी करते रहेंगे। फिलहाल ये लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है, अगर कोई डाउट है तो आप इसकी चर्चा कर सकते हैं।